बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। किताब बुक्स का नाम है थॉमस कैलकुलस एडिशन 12 एक्सरसाइज 3.1 फाइंड स्लोप एंड टेंजेंट। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसका हमें क्या मालूम करना होगा टेंजेंट और स्लोप। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे टेंजेंट और स्लोप एट अ पॉइंट। जैसे ये हमारे पास एक फंडामेंटल रूल है एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए ना, जो हमारे पास रूल है उसमें हमें एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का भी। तो सिंपली जहाँ भी हमारे पास एक्स होगी हम उसमें इस्तेमाल इंक्रीज कर देंगे एच। तो हम x की जगह पुट करेंगे x प्लस एच। तो ये आपकी जैसे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। तो आपको ये भी वैल्यू मिल गया, ये भी। हम सिंपली इसको दोनों वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एच की जगह हमें इसका ये रिजल्ट लिखेंगे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस में एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन में एच। तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ओपन करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस में एच स्क्वायर और ये आपका प्लस वन और ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से तो ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एच। अब ये आपका माइनस का वन और प्लस का वन भी कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर भी आपकी कैंसिल हो रही है। बाकी जो भी आपका रिजल्ट है एफ ऑफ डैश एक्स लिमिट इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एक्स एच प्लस में एच स्क्वायर अपॉन में एच। तो यहाँ से हम सिंपली एच कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स प्लस में एच। ये एच और ये अपॉन वाली एच आपकी कैंसिल हो रही है। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं, जहाँ भी एच होगी वहाँ हम क्या पुट करेंगे ज़ीरो। तो हमारे पास ये टू एक्स है प्लस में ज़ीरो, जहाँ भी एच थी यहाँ पे हमारे पास एच थी तो हमने यहाँ पुट क्या किया ज़ीरो। तो आपको जो डेरिवेट इसका मिला वो क्या मिला टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेट आपका होता है स्लोप एट अ पॉइंट। इस पॉइंट पे हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है टू और वाई का वैल्यू है फाइव। तो एफ ऑफ डैश एक्स मैंने आपको बताया था कि वो आपका क्या होता है स्लोप एम इक्वल्स टू एक्स। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे टू एम इक्वल्स आपका आपके पास जो स्लोप आएगा टू इंटू टू क्या होगा फोर। आपका स्लोप क्या मिला आपको फोर। अब हमें मालूम करनी है टेंजेंट लाइन। जब आपके पास टेंजेंट लाइन और स्लोप हो तो ये आपका फार्मूला लगता है y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। वाई वन आपके क्या है पॉइंट का वैल्यू है, उसका वैल्यू क्या है फाइव। तो आपने सिंपली हमने फाइव पुट किया इक्वल्स फोर। फोर आपका क्या है स्लोप है और x माइनस टू। तो एक्स का एक्स वन की मतलब जो पॉइंट की एक्स का वैल्यू था वो क्या था टू। ये हमने वैल्यू पुट किया, इसको सिंपलीफाई किया वाई माइनस फोर इक्वल्स फोर एक्स माइनस में एट। ये फोर हमने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिए तो फोर एक्स माइनस में टू ज़ा फोर कितना हो गया एट। तो अब हमें वाई का वैल्यू चाहिए वाई इक्वल्स फोर एक्स माइनस फाइव। ये माइनस के फाइव है, ये जब यहाँ पे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो वाई इक्वल्स फोर एक्स माइनस में थ्री। y इक्वल्स फोर एक्स माइनस थ्री ये आपकी टेंशन लाइन थी और ये आपका स्लोप था एट ऑन अ कर्व। कर्व आपका कौन सा था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन एट अ पॉइंट। अब आपको जो भी इसका एक्सरसाइज 3.1 का जो भी क्वेश्चन हो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वो मुझे कमेंट में बताएं, वो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ।